गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक है? वीडियो के जरिए और ऑनलाइन क्लास के जरिए आप अपनी क्लास पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी गुड। पार्ट 12 तक मैं आपको वीडियोस भेज चुकी हूँ, उसकी लिंक और उसके साथ उसका पीडीएफ भी भेज चुकी हूँ, पढ़ा था जिसमें हमने चालक बिल्ली के बारे में। अब हम आपके लिए बहुत अच्छा सा पार्ट लेके आए हैं, वो हमारा पार्ट 13 रहेगा। अब आपने देखा होगा कि अभी एग्जाम हो जाएगी मार्च में, फिर अप्रैल आ जाएगी गर्मी, थोड़े दिन हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा, फिर मई की गर्मी की छुट्टियां लग जाती है। क्या करते हैं हम सब गर्मी की छुट्टियों में? बिल्कुल सही कहा, पहचाना। क्या करेंगे? घूमने जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, नाना के घर जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, जो बाहर हमारे रिलेटिव रहते हैं वो भी आते हैं। तो इसी तरह रजत, और ये बहुत अच्छी कहानी है जिसमें रजत, तमन्ना और ये सब अपने भाई बहन हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर जाते हैं। उनके दादाजी का घर गांव में है और भी उनके भाई बहन, कजिन सब आते हैं वहां पर। और क्या करते हैं अब सुनेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। देखो, गांव का माहौल वैसे ही बहुत अच्छा होता है, वहां पे साफ सफाई भी होती है, शुद्धता रहती है सबसे बड़ी बात तो। और दादाजी का जो बगीचा था वो बहुत अच्छा था, दादाजी का धान और गन्ने का बगीचा था, खेत था। तो धान बोले तो क्या पता है आपको, धान यानी चावल, और गन्ना तो सभी ने खाया, जैसे शक्कर बनती है, जूस बनता है, गुड़ बनता है। और उनका बगीचा भी था फलों का, स्वादिष्ट बहुत अच्छे फल लगते थे सब ऑर्गेनिक थे, मतलब वो बहुत अच्छे बिना खाद पानी के थे। तो दादाजी ने अपना एक बहुत अच्छा सा बगीचा तैयार किया था। तो सभी बच्चों ने क्या कहा कि अब हम गर्मी की छुट्टी में दादाजी के यहाँ जाएंगे। तो सब बहुत सालों बाद मिले थे, ताऊ चाचा है ना, और वो सब दादाजी के इकट्ठे हुए थे और घर परिवार में बहुत रौनक आ गई। अब हम जब भी देखना कहीं मिलते बहुत दिनों बाद, तो सब कितने खुशी होते, अपने अपने सब बातें शेयर करते हैं, मिलते हैं, है ना। उसी तरह से सभी भाई बहन एक साथ मिलकर रजत, राहुल, रोहन, विशाल, ऋषभ और तमन्ना, ये सब उन कजिन भाई बहनों के नाम थे। फिर दादाजी ने कहा कि आज चलो अब सब मिले हैं तो अब क्या करते, घूमने जाते हैं आसपास की जगहों पर घूमते। तो उन्होंने भी सबने डिसाइड किया कि हम भी आप दादाजी के बगीचा घूमने जाने वाले हैं। तो सबने सब प्लान बनाया, सबने ताता चाचा ने, ताऊ जी ने और भाई, सब भाई बहनों ने मिलके उन्होंने, और बड़ी उत्साहित थे सब कि चलो जाएंगे, देखेंगे, पेड़ों पर फल लगे हुए देखेंगे, स्वादिष्ट फल हाथ से तोड़कर खाएंगे ऐसा। और सब वे आखिरकार बगीचा देखने जाने के लिए तैयार हो गए। और अब कहीं भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी तैयारी करते हैं जाने से पहले कि पानी ले जाते हैं, चटाई बिछाने के लिए, खाने के लिए कुछ अपने साथ रखते हैं, क्योंकि घूमते खेत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, खेत बगीचे, घूमो थकान होती है तो पानी भी लगता है पीने के लिए, भूख भी लगती है, तो सब मिलकर खाते भी हैं। इसलिए उन्होंने दीनू काका से बोलकर नेक्स्ट डे जाने के लिए पूरी तैयारी करवा ली, बगीचे में घूमने जाने के लिए पानी रखा, खाने का रखा, टिफिन तैयार किया, चटाई रखी बिछाने के लिए, ऐसा करके। और बच्चे बड़े उत्साहित होकर दादाजी का बगीचा देखने के लिए गए। अब देखें दादाजी के बगीचे में उन्होंने क्या क्या देखा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने क्या करा, पहुंच गए बगीचे में, सब चटाई बिछाई, रामू काका ने, बुआ जी, ताई जी, ये सब बैठ गए। पर बच्चों को कहां चिंता, वो तो सब दौड़ के बगीचा देखने गए। उन्होंने बड़े बड़े आम के पेड़ देखे जिसपे आम लगे हुए थे, बच्चों बहुत उत्साहित थे। उन्होंने आम तोड़े, तीनू काका को दिए, पानी में डाल दिए धोने के लिए, और बच्चे तो इधर उधर घूमने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, अपने खेत बगीचे के पेड़ों दिखाए कि देखो ये नीम का वृक्ष है। अब दादाजी ने बताया कि नीम का वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है। फिर बताया कि नीम का क्या महत्व होता है, बच्चों को समझाया, उनको जानकारी दी कि नीम की लकड़ियों से दातुन करते हैं जिससे दांत अच्छे होते हैं। आजकल तो आपको पता है कि नीम के पत्तियों का साबुन, शैम्पू सब आता है जिससे स्किन की बीमारियां दूर होती है ना। फिर उसमें से एक बच्चा बोला कि दादाजी नीम की पत्तियों को पानी में उबाल के नहाने से भी त्वचा के रोग दूर होते हैं। दादाजी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, रजत बोला था कि इस तरह से नहाने से पानी में नीम डालने से। और फिर दादाजी ने बताया कि नीम का पेड़ बहुत छायादार होता है और पेड़ों की अपेक्षा, और इसकी जो छाया होती है वो शीतल होती है, और ये ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है, और नीम भी सबसे घना पेड़ होता है और बहुत उपयोगी होता है। उसकी निम्बोली को फल जो होता है, उसका फल को निम्बोली बोलते हैं जिसे पशु पक्षी खाते हैं।
है ना, इसी तरह आप, और नीम का पेस्ट भी बनने लगा जिसको अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दादाजी बोलते चलो अब आगे चलते हैं, हम आपको अच्छा अमरूद खिलाएंगे। अब आप जानते हैं कि अमरूद को और क्या बोल, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जाम कहते हैं ना सभी। तो दादाजी ने अच्छा अमरूद तोड़वाए और फिर ताऊजी ने अमरूद तोड़ के दिए बच्चों को। तो दिनुबाका ने उनको धोकर काट कर सबको नमक लगाकर खाने कर दिया और बच्चे बड़ी खुशी से खुशी खुशी चिल्ला, दादाजी ने कुछ अमरूद बंदरों को भी खाने के लिए दिए। बंदरों ने भी बड़े इंजॉय करके अमरूद खाए और बच्चों ने फिर सवाल किया, दादाजी ये बंदर बगीचा नहीं खराब करते, बगीचे के फलों को तोड़कर बगीचा नष्ट नहीं करते। तो दादाजी का बिल्कुल नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम इनको रोज नियम से समय पर खाने को फल देते हैं और जब तक हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाए वो भी हमें हमारे किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह दादाजी ने कहा कि अब चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते करते बच्चे बहुत आगे तक अपना बगीचा देखते हुए इंजॉय करते हुए आगे बढ़े। फिर दादाजी ने कहा चलो अब हम आपको प्यास लगी होगी तो हम अपने खेत के आपको नारियल पानी पिलाएंगे। अब सबने नारियल के पेड़ देखे कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, नारियल के पेड़ अक्सर नदी किनारे और ऐसी जगह होते पानी लगता है उसको ज्यादा। तो फिर बच्चों ने कहा, ताऊ जी ने और पापा जी चाचा जी हम सब बच्चे चल दिए, कहाँ चल दिए, नारियल पानी के लिए। फिर कुछ मिनटों बाद ही नारियल के लंबे लंबे पेड़ उनको दिखाई दिए, पास एक नदी भी बह रही थी। फिर क्या हुआ, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ से दिनू काका ने चाकू से नारियल का मुंह काटा, फिर क्या डाल के पी गया, स्ट्रॉ, वेरी गुड, स्ट्रॉ डाल के इसने नारियल पानी पिया। फिर सबने आपस में ही सब बातचीत कर रहे थे तो रजत ने पूछा बताओ कि नारियल से क्या क्या बनता है। तो तमन्ना ने कहा कि मैं तो नारियल से चटनी बनाती हूँ नाम, और फिर एक बोलता है मुझे तो नारियल की गिरी ऐसे ही खाना पसंद है। एक ने बोला मेरी मम्मी गोला से तेल निकालती है फिर वो तेल लगाती है। तो इसी तरह सब अपना अपना आपस में बातचीत में शेयर कर रहे थे कि उनको नारियल के बारे में कितनी जानकारी थी कि नारियल से आखिर होता क्या क्या है। इसी तरह फिर ऋषभ भी चिल्ला के बोला कि नहीं मुझे तो केवल नारियल की गिरी खाना पसंद है। रोहन बोला मेरी मम्मी तो बालों में तेल लगाती है। फिर दादाजी ने उनको बताया कि जब नारियल सूख जाता है तो उसे गोला कहते हैं और उस गोले से तेल बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। और बोले चलो अब घर पे भी आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाएंगे तो हम आपको एक बहुत अच्छी सी चीज खिलाएंगे। तो बच्चे बड़े उत्साहित होते कि आम खाएंगे, सबको ऐसा लगा आम खाएंगे क्योंकि आम धो के रखे थे, जाम तो आपको खाई चुके थे। तो सबने बोला आदर बच्चे ने कहा हाँ जाम भी आम भी खिलाएंगे पर और भी सरप्राइज है आपके साथ। उसके बाद फिर सब इसी तरह घूमते घूमते थक भी गए थे बहुत। फिर दादाजी बोले अब चलो अपन वापस चलते, और हम सब वापस आ गए और हम सब ने मिलकर खाना खाया, आम खाया, साथ ही में दादी जी के हाथ की बनी आम की चटनी खाई और दादी जी के हाथ की बनी हुई नारियल की बर्फी जो थे सरप्राइज थी, सबने वो खाई और खूब स्वादिष्ट भोजन का, शुद्ध व ताजे भोजन का स्वादिष्ट भोजन खाया और उसका सभी ने खूब आनंद उठाया। इसीलिए कहते हैं कि हमें फलों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब लाभकारी होता है। तो हमें इसी लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि किस तरह बच्चों ने बगीचा घूम के एंजॉय किया और जाना कि किस तरह से पेड़ पौधे होने से हमें ताजे फल सब्जियां और ये सब मिलती है, जानवरों को भी किस तरह से, ये पशु पक्षियों के भी किस तरह काम आते हैं, है ना। और आजकल तो आप देखेंगे आप फिर से कोई ट्रेंड आ चुका है, अब सब लोग खेती में वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें उगाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो इस लेसन के साथ ये अच्छी सी कहानी दादाजी का बगीचा जो हमने घूमा वो यही खत्म होता है। इसके साथ में इसका पीडीएफ भेजूंगी और इसका वर्क भेजूंगी, आप कंप्लीट करेंगे। तब बाय।